अगर हम बात करें बॉलीवुड की फिल्मों की तो आप ये बखूबी जानते होंगे कि बॉलीवुड की फिल्में बिना खलनायक के अधूरी है। बॉलीवुड फिल्मों की कहानी की सफलता में जितना बड़ा हाथ नायक का होता है उतना ही एक खूंखार विलेन का भी। इस अभिनेता का असली नाम डैनी डोनोंगपा है, लेकिन इन्होंने घातक फिल्म में शानदार अभिनय किया था जिसके बाद लोग इन्हें कातिया के नाम से ही जानने लगे थे। बॉलीवुड फिल्म घातक साल 1996 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी थे, जिन्होंने बॉलीवुड में घायल, दामिनी, अंदाज अपना अपना, बरसात, खाकी, फटा पोस्टर निकला हीरो और अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी सुपरहिट फिल्मों को निर्देशित किया है। आपको बता दें कि ये फिल्म सनी देओल और डैनी डेंजोंगपा के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री थी। डैनी डेंजोंगपा के भारत में करोड़ों प्रशंसक हैं, लेकिन उनकी बेहद खूबसूरत बीवी के बारे में काफी कम लोग जानते होंगे। एक खतरनाक विलेन के रूप में जाने जाने वाले डैनी डेंजोंगपा की पत्नी का नाम गावा है, जो कि सिक्किम की पूर्व राजकुमारी हैं। डैनी जितना प्यार अपनी एक्टिंग से करते हैं उतना ही प्यार वो अपने परिवार से भी करते हैं। इन दोनों के दो बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की है। डैनी के बेटे का नाम रिंजिंग डेंजोंगपा है और बेटी का नाम पेमा डेंजोंगपा है। टीम न्यूज़ नाउ।